इनपुट। थैंक यू सर। श्री शंकर लालवानी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आदरणीय हमारे कानून मंत्री मेघवाल जी लाए हैं। दुनिया में सबसे मजबूत और बड़ा लोकतंत्र है भारत, और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है निष्पक्ष चुनाव होना, और निष्पक्ष चुनाव के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि चुनाव आयोग का निष्पक्ष निर्णय होना चाहिए। इसी बात को लेकर सरकार यह बिल लाई है। इस बिल का जो उद्देश्य आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा और शर्तों के बारे में, इसमें जो बातें कही गई है, इसमें प्रमुख बात यह है कि दो कमेटियां बनेगी, एक सर्च कमेटी, दूसरी चयन कमेटी का गठन किया गया है, जो पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी संपन्न कराएगी। माननीय सभापति महोदय, जो सर्च कमेटी है उसमें जो अध्यक्ष है वो कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे, और जो सदस्य हैं जो कि सचिव रैंक के रहेंगे, और दोनों को निर्वाचन और चुनाव का ज्ञान और अनुभव होगा। यह समिति मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए विचार करेगी, और पांच नामों का जो पैनल है वो बनाएगी, और सर्च कमेटी द्वारा पांच नामों का जो पैनल जो किया गया है उसको चयन समिति की ओर भेजेगी। चयन समिति में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में लोकसभा के जो विपक्षी नेता है, वैसे तो लोकसभा में विपक्षी नेता अभी है नहीं, और जिस प्रकार कांग्रेस कृत्य कर रही है, भविष्य में ये भी संख्या रहने वाली नहीं है। जो भी दल बड़ा रहेगा उस बड़े दल के नेता और एक कैबिनेट मंत्री रहेंगे। चयन समिति की पारदर्शिता से चयन करेगी और उसे राष्ट्रपति जी को भेजेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि 6 वर्ष और जो उम्र है वो 5 वर्ष की रहेगी, जो ये बताया गया है। यदि चुनाव आयुक्त को हटाना भी पड़े तो जिस प्रकार हाईकोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है उसी प्रकार इसमें प्रक्रिया दी गई है। मोदी सरकार इस बिल के माध्यम से पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त का चयन की प्रक्रिया कर रही है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में निष्पक्ष चुनाव होंगे। मैं माननीय कानून मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूँ, जिस प्रकार मोदी सरकार के नेतृत्व में बहुत सारे जो अनावश्यक कानून है, लगभग 1500 कानून ऐसे हैं जिनको कि हटाया गया, और कल ही माननीय गृह मंत्री जी ने 3 कानून, न्याय और दंड कानून को बदलाव किया गया, क्रांतिकारी कदम उठाया है। पिछले वर्षों में अगर हम देखें तो पूरे देश में मोदी सरकार ने वन नेशन वन टैक्स GST, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड आभा, वन नेशन वन कानून, वन नेशन वन ग्रिड बहुत सारे किए। अब देश की जनता की मांग है कि वन नेशन वन इलेक्शन आना चाहिए। मैं माननीय कानून मंत्री से मांग करूंगा, ये देश की मांग है, इसे जल्दी पूरा करें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।